आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में और मैं हूं भास्कर सर। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से एलोपैथी के जो भी बेसिक जो टर्म हैं वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और उसी के क्रम में अलग अलग इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक थे उस पर डिस्कशन हो रहे हैं, उसी के क्रम में आज GNM फर्स्ट ईयर के जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा। लेकिन इसके पहले कुछ बातें हैं जिसको क्लियर करनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न ये है कि हमें सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं, और जिनका न्यू सेशन में एडमिशन हो रहा है, जो GNM आयुर्वेद से एडमिशन ले रहे हैं, वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या सब्जेक्ट होंगे। तो उनको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब्जेक्ट और सिलेबस पे एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो मेरे चैनल से जा कर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उसमें जो चीज़ें हैं आप समझ सकते हो। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों के पास भी वीडियो पहुँचे और उन्हें ये भी पता चले कि नहीं, YouTube पे भी हमारी क्लासेस चल रहे हैं, आयुर्वेद से क्लासेस यहाँ पे भी चलाई जा रही हैं। क्योंकि आयुर्वेद पे क्लास लेने के लिए कोई भी चैनल आपका है नहीं कि जिस पे आपके जो क्लास हैं कंटिन्यू चल सके, तो यहाँ पे आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है क्लियर की जाएगी और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप टॉपिक बताओगे या जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उस पर डिस्कशन होगा। वैसे तो मैं जो भी आपका टॉपिक है उस पर बारी बारी डिस्कशन कर ही रहा हूँ और सारी चीज़ें बता ही रहा हूँ, तो सब्जेक्ट वाइज सारी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो दिए जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको बताने से पहले जो भी स्टूडेंट नए सेशन में एडमिशन ले रहे हैं GNM आयुर्वेद में, तो मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपका सब्जेक्ट और सिलेबस है क्या। तो जो भी चैनल पे नए हैं या जो GNM आयुर्वेद कर रहे हैं जिन्हें सब्जेक्ट नहीं पता है, तो वो कॉपी पेन लेकर के अपने सब्जेक्ट को चाहे तो नोट कर लें, और अगर आप नोट नहीं कर पाते हो तो आप लिंक मेरे जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मैं दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जा कर के सिलेबस को मेरे चैनल से टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, मैं अपने चैनल के ग्रुप में डाल दूँगा, आप वहाँ से PDF ले सकते हो अपने सिलेबस का। बता दूँ मैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो GNM फर्स्ट ईयर को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है सामान्य विज्ञान। मतलब सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है, जिसमें आपने इंटर में जो भी साइंस पढ़े हैं, या आप मैथ से पढ़े हो, बायो से पढ़े हो, जो आर्ट साइंस वाले हैं वो साइंस नहीं पढ़े हैं, तो भी उनके लिए यहाँ पे सुविधा ये है कि जो साइंस नहीं पढ़े यहाँ पे उनका जनरली जो भी इंट्रोडक्शन है साइंस में, जो भी टॉपिक टर्म है, वो सारी चीज़ें इसमें बता दी जाएंगी। तो इंटर का फुल्ली सिलेबस है, लेकिन शॉर्ट में दिया हुआ है आपको सामान्य विज्ञान पहला सब्जेक्ट आपका है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका शरीर, मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी है, पूरी बॉडी के बारे में आपको बताया जाएगा। उसी तरह से तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका है स्वास्थ्यवृत्त, मतलब शरीर को रोगों से बचाए कैसे रखेंगे, आयुर्वेद के अनुसार शरीर पे जो भी शरीर में जो भी दोष हैं वो बढ़ते कैसे हैं, ऋतु के अनुसार शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती कैसे है, जो चीज़ें हम खाते हैं हमारे शरीर पे नुकसान कैसे पहुंचाता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका फोर्थ जो है जीवाणु परिचय, मतलब शरीर में होने वाली बीमारियाँ जो जीवाणुओं के कारण हो रही हैं उनके बारे में, कैसे जीवाणु हैं, उनकी रोकथाम कैसे करेंगे, जीवाणु रोधी या कीटनाशक, या कीटनाशक कह रहे हैं कीटाणुनाशक या जीवाणु का विनाशीकरण, ये सारे टॉपिक आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे कि जीवाणु को नष्ट कैसे किया जाएगा, जीवाणु हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं तो उनकी बढ़ोतरी को रोकेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और जो लास्ट सब्जेक्ट है पाँचवा, जिसको सामान्य परिचर्या कहेंगे, तो सामान्य परिचर्या मतलब कि जो आपका काम है नर्सों का जो काम होता है उसको जनरली पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, यही आपका सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर में जाके यही सब्जेक्ट विशिष्ट परिचर्या में बदल जाएगा, जिसमें आपको और डिटेल में बताया जाएगा कि आपको पेशेंट के साथ कैसे रहना है, कैसे दवा देनी है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको जनरली ही पढ़ना है कि आपका काम क्या है, एक नर्स को कैसे रहना चाहिए, आप अगर पेशेंट
रूम में आपकी ड्यूटी लगती है, तो आपको पेशेंट के साथ कैसे बात करना है, कैसे की कैसे चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। तो आज की जो क्लास है वो जनरल साइंस की होने वाली है, और जनरल साइंस का टॉपिक मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करूँगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको टॉपिक समझ में आए और आपको इससे लाभ मिले। तो आज का जो टॉपिक है वो है जल का, जो कि जनरल साइंस का टॉपिक है। तो टॉपिक भी मैं सामने दिखा दे रहा हूँ, अंतर्गत ही पढ़ेंगे, लेकिन जो भी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी पर डिस्कशन मैं कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं जल है क्या। तो जल की अगर परिभाषा अगर आप देते हो, ध्यान रखिए कि सभी जीवों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विलायक है। विलायक मतलब इसमें जो भी चीज़ें हैं घुल जाती हैं, इसलिए इसको विलायक बोला गया है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाला, बहुतायत में मिलने वाला, सबसे ज़्यादा मिलने वाला यौगिक है, मतलब कि एक कंपाउंड है। वाटर क्या है, जल क्या है, कंपाउंड है। अगर पानी का साधारण नाम देखें तो पानी का साधारण नाम जल, पानी या नीर कहा जाता है। इसको IUPAC नाम इसका है ऑक्सीडन, पानी का IUPAC नाम है ऑक्सीडन। और वैकल्पिक नाम अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं, या तो इसको हम बोल सकते हैं एक्वा या डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देख लें, अणु सूत्र अगर देखें, तो पानी का अणु सूत्र होता है H2O। उसी तरह से इसका मोलर द्रव्यमान अगर देखें तो 18.0153 ग्राम पर मोल होता है इसका मोलर द्रव्यमान। घनत्व अगर देखा जाए तो 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव में 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व होता है, और ठोस का घनत्व होता है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 0 डिग्री सेल्सियस पर। गलनांक अगर देखें, मतलब अगर बर्फ़ है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे गल जाएगा, और केल्विन में अगर बात करें तो 273.15 केल्विन पे ये गल जाएगा, और फारेनहाइट में अगर बात करें तो 32 डिग्री फारेनहाइट पर ये गल जाएगा, मतलब कि 32 डिग्री फारेनहाइट पर ये गल जाएगा। क्वथनांक, अगर जल को उबलने की जो टेम्परेचर है उसके ताप की बात करें तो 99.974 डिग्री सेल्सियस है। एक्यूरेट जो पैमाना है 100 डिग्री सेल्सियस हम कहते हैं, केल्विन में अगर कहेंगे इसी को तो 373 हो जाएगा, और फारेनहाइट में कहेंगे तो 211.95 फारेनहाइट हो जाएगा। मतलब एक्यूरेट अगर हम बताएं तो 99.974 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है पानी का, मतलब उबलता है पानी इतने डिग्री सेल्सियस पे, और 373.124 केल्विन पे उबलता है, 211.95 डिग्री फारेनहाइट पे, ये अलग अलग पैमानों में है। उसी तरह से अगर आगे के क्रम में चलें तो बता देता हूँ रासायनिक और भौतिक गुण जल का, बता देता हूँ वो भी आप देख लीजिए। जल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र मैंने पहले ही बता दिया, H2O है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा 1 ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े रहते हैं। जल के प्रमुख रासायनिक और भौतिक गुण को अगर देखें तो नंबर वाइज मैं कुछ रासायनिक और भौतिक गुण बता देता हूँ। जल एक पारदर्शी पदार्थ है इसलिए पौधे इसमें जीवित रहते हैं। अगर ये अपारदर्शी होता तो जो भी सूर्य से मिलने वाले जो भी चीज़ें हैं वो पौधों को नहीं मिल पाते, बस जो पराबैंगनी किरणें होती हैं कुछ हद तक जल उसको अवशोषित कर लेता है, बाकी सारी चीज़ें वो पौधों को दे ही देता है। इसलिए यह पारदर्शी पदार्थ है जिस इसी के कारण पौधे इसमें जीवित रहते हैं। अगर दूसरी बात करें, एक अन्य महत्वपूर्ण बल जिसके कारण जल अणु एक दूसरे से चिपक जाते हैं उसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन बंध जल में होता है इसीलिए इसके अणु जो जल के अणु होते हैं एक दूसरे से चिपके होते हैं। जल का जो क्वथनांक है, अगर तरल पदार्थ की ओर देखें तो सीधे बैरोमीटर का दबाव से संबंधित होता है, मतलब
उदाहरण के लिए अगर आप एवरेस्ट पर्वत के सबसे ऊंचाई पर अगर चले जाएं तो 68 डिग्री सेल्सियस पे ही जल उबलने लगेगा, जबकि आप सतह पे चले आएँ, समुद्र तल के सतह पर चले आएँ तो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी देखेंगे कि उबलने लगेगा। तो ये जल का भौतिक और रासायनिक गुण है।